ओहो, द रॉक स्टार जा रहल बा राजकुमार बन के प्रज्ञा के लेवे। बाहर बैंड वाला बोलबले बाड़े ना, तो अब पालकी में ही बैठा के ले आई है हमनी के दुल्हन रानी के। ज्यादा मत छेड़ा, बहुत मुश्किल से मनवाईनी हम, और फिर राजकुमार बन के काहे ना चाहिए लेवे के एकरा जा रहल बा। हमनी के प्रज्ञा भी तो राजकुमारी से कम ना बिया ना। जात तो बानी, बाकी ओकरा फेस कैसे करब, ओकरा देखत ही उ सब याद आई जैसे जेके हम भूले के कोशिश कर रहल बानी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा जी। चियत्र आवा पूरब बेटा। का बात बा दादी? आज आपके पोते इतना सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रहल बा? प्रज्ञा के लिए जा रहल बा। ओ, तबे इतना सज धज के जा रहल बा? दीदी, उस सरला जी खातिर जो सामान ले आए। ए, प्यार का मिलकर तोरा तुम्हारे लाइफ में, तू अपन दोस्त के भूला जीबे का? तोरा पता बा कल आइल नहीं हम तोरा प्रज्ञा दी के देखे सवेरे सवेरे, पर तू दोनों रहला ही ना। ऐसे गायब हो गया जैसे जैसे दुनिया से कहीं और चल गया होगा। भाई, प्यार हम भी कर ले बानी। आई कैन अंडरस्टैंड यार, जब दो लोग प्यार में होके ना तब क्यों दिखाई ना देला यार, पूरा दुनिया में क्यों ना दिखाई देला। और फिर ऐसा लगेला कि वो दोनों के क्यों डिस्टर्ब ना करे। पर तू हमके बता सकेला ना कि तू कहाँ जा रहा है? हम कौन तोरा के डिस्टर्ब करती हैं? अच्छा, ये सब छोड़ा, हमके बतावा कल भाईल का तू प्रज्ञा दे से का कहला और वो तोरा से का कहली और बाकी सब कुछ बतावा। तू एग्जैक्टली बोलला का उनके? देखो, हम जाना था नहीं हम तोहार दिल के दुखे ले बानी, बट ट्रस्ट मी, अब हम ऐसा कुछ ना करब जेकरा से तोहरा दिल के हर्ट होके। और ये बतावा कि शर्माइल के तू या प्रज्ञा दी? लिखे की रहा है, हम जे कुछ भी करनी हो कि आप सीरियसली तो ना ले लेनी, हम आपसे प्यार ना करी ले। पूरब, हम तोरा से बाद में बात करब, हमके ओकरा लेवे ओकर मायके जाए के बा। दादी के ओकरा बिना मन नहीं खिलागत। का दादी का बहाना करा तड़ा, बोला ना तोहर मन ना लगा था उनके बिना, तभी तो लेवे जा रहा बड़ा। अच्छा, सॉरी सॉरी, तू गुस्सा मत होगा यार, सुबह सुबह फिर बोलवा कि पूरा मूड ऑफ कर देला सब, लेट कर देला सबके। तू जा आराम से बात बात करके आवा, पर वापस ही बता तो थोड़ा के सब कुछ बतावे के पड़ी हमके, ओके? अच्छा, एक बात और, बुलबुल के बोल दिया कि हम अभी उसे मिल ना पाए, पर शाम के आए पक्का, ओके? सी। पहले जब ओकरा लेके कोनो फीलिंग ना रहे तो दूसरे के सामने प्यार के नाटक कई आसान रहे, पर अब हूँ जोन कैले भी ओकरा बात पहले जैसन कुछ ना हो पाए, हमके जल्द ही कोनो सोल्यूशन निकाल के ये सब ड्रामा खत्म करे के पड़े। दी, बुलबुल, तू पागल हो गेल बाड़ू? तरह के गले बाड़े ना डॉक्टर्स, जब तक प्लास्टिक ना उतर जाए तब तक तू ना खड़ा हो सकत, चल भी ना सकत। माँ कहले रहनी हमसे, बहुत जिद्दी हो गेल बाड़ू तू, केहू के ना सुनेलू, ना माँ के ना दादी के, तरह ला ना हमके टीचर बन के तोर कान मरोड़े के पड़ी। हमेशा जिद, हमेशा जिद। इला, दवाई खाओ। का बात बा दी, तू आज कुछ अलग लग रहल बिया, का बात बा? तोहर बिस्तर ऐसे कौन बात ना बा? दी, तू यहाँ बैठ, का बात बा? कुछ तो छिपावत बाड़ू तू हमसे, जीजू से कौन बात भइल तोहर? ना, कुछ ना कहले सब ठीक बा। ठीक बा तो के ना बतावे के ना, मत बताओ, हम तो के फोर्स भी ना करब, पर जब हमारी प्लास्टर निकल जाए ना तब हम खुद जाके जीजू से पूछ ले, और फिर उनका पास बच के जाए खातिर कोई और रास्ता ना रही। ना बुलबुलू, डॉक्टर बुलबुल के रिकवरी के कितना वक्त लगी? बुलबुल के फिजिकल इंजरीज तो ठीक हो रहा बा, लेकिन फिर भी वो कोनो भी इमोशनल स्ट्रेस ना ले पाई। एक्सीडेंट में उनका सर पे काफी गहरा चोट लगल बा, और यही से अगर उनका दिमाग पे कोनो स्ट्रेन आईल तो कोनो घबराए वाला बात तो नहीं है ना? ना ना, फिलहाल तो कोनो घबराए वाला बात नहीं है, और हमनी के कोनो एडवांस रिएक्शन या याददाश्त खोए के सिम्टम्स ना दिखल, लेकिन आपके उनकरा ख्याल रखे हो कि उनकरा कोनो भी तरह के सदमा से बचावे के हो कि? ठीक बा, बतावत बानी, तरह से कोनो बात छिपा ना सके नी तो तरह से कैसे शर्माई? हम दादी की तबियत लेके परेशान बानी आजकल, ठीक ना रहले उनकर तबियत। दी, पर तू बाना उनका पास ख्याल रखे खातिर, तू टेंशन काहे ले रहल बाड़ू? तू तुमके जीजू के बारे में बताओ। ठीक बानी हूँ, वो बाहर गेल बानी जरूरी काम से। कोनो काम खातिर बाहर गेल मतलब इम्पोर्टेंट तो हो ही बाना? हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट बा, फोन भी रिसीव ना कर सकेले। ओफो दी,
फोन रिसीव करे के का जरूरत बा, जबकि तू सामने से बात कर सकेली। मतलब? मतलब मतलब या तो जीजू अपन इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आ गई ले, या तो फिर तुसे मिला ली उनका इम्पोर्टेंट काम रहे। आप दी के मिस करत रहे ना जीजू। हम यहाँ तो हर दी खातिर ना बल्कि तारा खातिर आई वाली। जीजू दी ये भी आ। दी कहीं तो के चलन तो नहीं के हो रहा ना? अरे बहु तू यहाँ बैठे बैठे का करा तारू, पूरा मोहल्ला के बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहा है, बड़े हॉकी मैच भी तक खेले के बा, कम ऑन। ओफो जीजू, हॉकी छोड़ी बाकी दी के साथ टेबल के नीचे फुटबॉल खेलल कैसन रही? उरात भाईल का कुछ समझ ही नहीं खा रहा है। आई मीन पूरब बतावले रहे कि भाई प्रज्ञा के अपन फीलिंग्स कन्फेस करे वाला बानी, और अगर वैसन बा तब उरात जॉन भाई जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। का अभी प्रज्ञा के अपन फीलिंग्स कन्फेस कर ले? ओ माय गॉड, मतलब वो के प्रपोज करे वाला रहे और हमके कुछ पता भी नहीं के। आलिया तू भी हमके कुछ ना बतैलू। तनु हम तारा के ऐसे ना बतावने कि हम ना चाहत रहने के तारा के बुरा लगे, यू नो। हाँ तो आप कहे बतैलू, अब हमके बुरा ना लगी, इनफैक्ट हमके ज्यादा बुरा लग रहा बा। अभी प्रज्ञा के प्रपोज करे वाला रहे, मतलब वो हमरा से प्यार नहीं करेला तो हमार लाइफ तो फिनिश, सब कुछ खत्म हो जाए। हम काम दिखाई लोगन के। व्हाट काम हो दिखाई के का मतलब है तनु? नाउ आले हमार मॉम डैड के पता बा कि अभी सिर्फ हमरा से प्यार करेला और हमरे से शादी करी, और जब उनके पता चली कि अभी हमरा से प्यार ना करेला वो प्रज्ञा से प्यार करेला, तो हम काम हो दिखाए उनके। आले सिर्फ हमार लव स्टोरी के ही ना, हमार लाइफ के भी दी एंड होगी। ओ शट अप तनु, कुछ भी बोलत रहलू। आई मीन कुछ सोचले भी बाड़ू बोले से पहले तो देख लो ना भाई कैसे रिएक्ट करत रहले वो बहन जी के देख के। ओकर नाम ना सुने चाहत रहले, ओके अपन आंख के सामने देखे ना चाहत रहले, यू नो। कुछ तो भइल बा उ दोनों के बीच में, समथिंग ड्रास्टिक हैज हैपेंड जेकरा वजह से भाई ऐसे रिएक्ट कर रहल बा और हमनी के जाने के होखी, और हम भी बुलबुल से मिले जा रहल बानी। का बना हमके जाके देखे के बा कि ओकर हालत कैसन बा और ओके कितना टाइम लगी ठीक होके में। काहे कि जितना टाइम ओके ठीक होके में लगी उतना टाइम सिर्फ हमरे पास बा पूरब के अपना बनावे में। सो तू चिल करी, हम आ बतानी, ओके। अभी अगर हमके और हमार होके वाला बच्चा के एक्सेप्ट ना कर ले तो हम तब बिना शादी की माँ बन जाए, का करी हम? आई थिंक इसे पहले क्यों मना करे हम अबॉर्शन करवा लेत बानी। हम तारे आगे हाथ जोड़े तानी, मेहरबानी करा आपस के जौन मन मुटाव बा ओके बैठ के खत्म कर ला, कुछ भी कर ला, और जैसे तैसे भी कह के प्रज्ञा के घर लेके आव। का हो गल, बाहर काहे बुला रहल बानी? बाहर आवा, हमके पता बा तोहरा हमार यहाँ आयल अच्छा ना लागल, बाकी हम यहाँ तोहरा खातिर ना अपन दादी खातिर आयल बानी। उनके लागल कि हमने के बीच में कोनो प्रॉब्लम चल रहल बा इसे वो हमके भेजली तोहरा लेवे खातिर। हम ना जानेली कि तू हमरा बारे में का सोचेलू, लेकिन तू इतना जरूर जानेलू कि हम अपन दादी से बहुत प्यार करेली। ऐसे हम नहीं की चाहत के केहू उनकरा से झूठ बोले और उनकरा साथे गेम खेले, यही से तोरा से रिक्वेस्ट करे चाहता नहीं के अपनी रिश्ता के नाटक के चलावत रही।
एंड आई प्रॉमिस के हम परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला बा। प्लीज रिक्वेस्ट मत करा, आप ऑर्डर भी करब तो हम मना ना करब। यह चाहिए, यह ड्रामा चाहिए, पर सब हमरा सामने करे के जरूरत नहीं है। हमरा सामने तू जैसन बाड़ू वैसन ही रहिया, बस कुछ दिन के बाद बा एकरा बहुत प्रॉमिस हम तोरा रिश्ता से हमेशा खातिर आजाद कर दे। और पूरा दुनिया से कह देब की हमनी हस्बैंड वाइफ रहनी, लेकिन हमनी के बीच में पति पत्नी जैसे कोनो रिश्ता ना रहे, ताकि फ्यूचर में तोरा कोनो प्रॉब्लम ना होगी। अच्छा भैल की आप इस बारे में सोच रहल बानी, हम खुद सोच ही ना पावत रहनी कि सबसे बाहर कैसे निकली। हम कोशिश करत रहनी लेकिन रॉक स्टार अभी। हेलो सर, आई एम पूजा। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई जस्ट कांट बिलीव इट कि हम आपसे मिल रहल बानी सर। एंड सर, हम भी आपके बहुत बड़ फैन बानी। एक्चुअली हम आपके सारा गाना सुन ले बानी। सर, एगो ऑटोग्राफ मिले हमरा खातिर। यस सर, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड मैम, सॉरी मैम, हम आपके ना देखने की आप भी सर के साथ बानी। मैम, आपके यहाँ पर सर के एल्बम के प्रमोशन करब देख के हमके बहुत अच्छा लग रहा बा। मैम, आई टेल यू वन थिंग, अभी सर इज रियली वेरी लकी जे उनके आपके जैसन वाइफ मिलनी। एंड वी नोन लव बिटवीन यू टू। एक्चुअली आप दोनों के लव ही बा जे हमने कितना इंस्पायर करेला। एंड सर, हम दोनों तो डिसाइड भी कैले बानी कि हम दोनों आप दोनों के तरह एकदम परफेक्ट कपल बनब। सर और मैम, आप दोनों हमनी के आइडल बानी, आइडल ऑफ लव। प्लीज आपकी ऑटोग्राफ मिली। एक ऑटोग्राफ मैम, प्लीज प्लीज एक ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाय बुलबुल, हाउ आर यू? यहाँ का है आल्बिया? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हम थोड़ा बिजी रहनी, ऐसे आवे में थोड़ा देर हो गई। ओ तो तू जॉब कर रहल बाड़ू ना? तो फिर तू कोनो नया बिजनेस ना? तो तू बिजी कहाँ रहलू? एक्चुअली हमू अपना फ्रेंड के साथ है। आई एम श्योर तू अपन फ्रेंड के साथ बिजी रहू, लेकिन सुना आलिया, तू फ्रेंड के साथ बिजी रही है, लेकिन ओकर लाइफ में इंटरफेयर मत करियो, ठीक बा? मजाक कर रहल बानी। गुड, अब कहा ना बुलबुल, हम मंदिर गई रहनी, तहराला प्रे करे, वो कह लेना कि दवा से ज्यादा दुआ काम आवेले, ता हो सकेला कि हमार दुआ के वजह से तू जल्दी ही ठीक हो जा। रियली? इ बात पे तो भगवान के भी यकीन हो कि तू टेम्पल गई रहू, वो भी हमरा खातिर दुआ मांगे। आई वॉज किडिंग अगेन। वैसे हम तो बहुत अच्छा से जानेला कि पूरब तार कितना अच्छा दोस्त बा, और तू तो कबो न चाहबू ना कि पूरब के प्यार ओकरा से अलग होके, काहे कि प्यार के खोइब का होखेला, तरह से बेहतर और की जान सकेला। यू आर राइट, हम ही फीलिंग्स बहुत अच्छा से जाने ली, और एकरा बारे में और ज्यादा बात ना करे के चाहता नहीं सब। प्लीज एगो लड़की से बात करत बिल्कुल अच्छा ना लगेगी। अच्छा तो हमके तू तब लगबू आलिया जब तू हमके पूरब के साथे शादी करते देखू। वैसे तोहार दिल में पूरब खातिर सीरियसली कोनो फीलिंग नहीं है? अगर तू ऐसे बोलब तो फीलिंग्स आ ही जाए, और वो आइडियाज भी, जैसे हम तहरा के पूरब के लाइफ से अलग कर सकी। और अगर फीलिंग्स आए भी तो कोनो फायदा नहीं है, काहे कि पूरब तो हमारा, और इट्स ऑलरेडी लेट बाना।
मिया, एनीवेज तोहके लेके तो हमके पूरा जिंदगी होशियार रहे के पड़ी। ए दादी, ला ले आई नहीं आपके बहू के, अब जितना बात करे के बात कर ला। अब तू वहां का कर रहा, अंदर आवा। अब देखी ना, दादी के लगेला कि हमनी के बीच पे कुछ झगड़ा चल रहा बा। ला कर ला चेकिंग दादी, इनफैक्ट हम दोनों डील के ले बानी। अब झगड़ा तो दूर के बाद, एक दूसरे से बहस तक ना करब, है ना? तू चुप का है बाड़ू? बोला ना दादी के हमने के बीच में कौनो प्रॉब्लम नहीं के? प्रज्ञा, तू यहां आ, हमरा पास बैठा। तहरा के कुछ बोले की जरूरत नहीं थे। अब तहार डील कब तक चली हमके मालूम नहीं थे, मगर प्यार में झगड़ा होखा बहुत जरूरी बा। काहे कि झगड़ा ही प्यार बढ़ावे ले, जे आपस में करे होखे प्यार तो रोज करे तकरार। बेटा ई वाली तो देख नहीं देखे के बस करे यार। अरे एक मिनट देखे में का, अरे हम आपके आगे हाथ जोड़ता नहीं, बस करी यार। अरे ना पसंद आई तो मना कर दा। का भेल आकाश? कुछ ना भाई, मम तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलत रहे लिन। और हम का बोलत रहने कि हम क्या आपसे बात करके रहे आपके एल्बम खातिर, चली ना। अरे बेटा जवाब तो देखे जा। कहे देखनी माजी, आपके कहला पे हम ही तस्वीरों के देखा रहल बानी, कैसे चिल्ला के चल गेलु हमरे पर। अब तू हर वक्त ओके फोटो दिखावत रहबू तो ऊ चिड़ी ही ना। मम्मी हर बात के टाइम होखेला, ओके सोच के टाइम त दी। तू ओकरे पीछे पड़ल ही रहेलु। देख पम्मी, तू हमार जिम्मेदारी लगवले रहलू ने एकर शादी करे के, त फिर हम जे बोल रहल बानी ना ऊ हे करी, बस शाबाश। तनु तो वो क्लिनिक में का करत रहलो? वो एक्चुअली बहुत दिन से सर में बहुत दर्द रहे, बस उहे माइग्रेन ना होके इसे चेकअप कराया आयल रही। गायनेकोलॉजिस्ट के पास तू अपन सर दिखावे आयल रहलो? वो हमार अच्छा दोस्त बा, ऐसे को अच्छा डॉक्टर खातिर पूछे आयल बानी। आर यू श्योर? व्हाट डू यू मीन आई एम श्योर? देखी तनु, हमके लग रहल बा कि तू हमसे कुछ छुपा रहल बाड़ू। ऐसा कुछ बा जे तू कर रहल बाड़ू या हमके बता ना रहल बाड़ू, सो आई डोंट नो। अले हम तरह से कुछ कहे छिपाई, और वैसे भी बात छुपावे की आदत तोहार बा, हमार न। और तू हमरा पे इतना दिमाग कहे लगावत बाड़ू? जहाँ पे पूरा डाउट बा वहाँ पे लगावा, वहाँ पे तो कुछ पता कैले ना होखबू। आई एम श्योर अभी तक इहो न पता कैले होखबू कि उ दिन अभी और प्रज्ञा के बीच भइल का होखी। तनु पहले वो बहिन जी के घर वापस आवे त दी, अपन मायके गइल बानी। एक बार वापस घर आ जाइये तो हम पूछ लेब कि का भइल रहे का ना भइल रहे। अब यहाँ पे बैठ के कहानी तो ना बना सकीले। हैव पेशेंस एंड गिव मी सम टाइम। टाइम है तो नहीं क्या हमरा पास? एक्सक्यूज मी, का कहलू तू? टाइम ना बता रे पास काहे? आलिया यू नो ना, हमार पेरेंट्स यहाँ पे आयल बाड़े, आ उ लोग हमके शादी खातिर कितना फोर्स कर रहल बाड़े। हमके कुछ समझ में नहीं आ रहल, हमके का कहब कैसे का करब, आई डोंट नो। तनु तहार पेरेंट्स बाड़े, एंड आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि तू अपन पेरेंट्स के बात माने लागलू? आई मीन यू नो ई कब से भाई, और तू अच्छा से जाने लो कि अपन पेरेंट्स के कैसे हैंडल करे के बा, जस्ट डील विद देम। उनके तो हम हैंडल कर लेब, लेकिन ये मुसीबत के का करी? डॉक्टर हमके बहुत कम टाइम दे ले बा अबॉर्शन खातिर, अगर करे के बा तो जल्दी करे के होखे। अभी थैंक गॉड तू एजे मिल गई ना, वरना हमके लागल कि कल के तरह फिर से तू दोनों गायब होके के प्लान तना बना रहल बाड़ा। पूरब हम म्यूजिक रूम में जात बानी हमके एगो ट्यून बनावे के बा। हां समझत तनी हम, तोरा दिमाग में नया ट्यून आए ना अभी, कल बात जोन भइल बा इतना।
का बात भाई, का बात भाई, बताओ हमके। देख पूरा, हम मजाक करे के मूड में नहीं है, पर हम तो एकदम फ्री बानी। अभी सारा काम खत्म करके स्पेशली तोरा से मिले आयल बानी, हमके स्टार्ट वेट सब कुछ डिटेल में बतावे कि तुम्हार प्रज्ञा दे से का बात भेल। देख पूरब, हमके अपन नया एल्बम पे काम करे के बा। हाँ तो तू काम करा ना यार, कोनो डेडलाइन थोड़े ना बा, एल्बम बना लिया। और वैसे भी तोरा के काम एक घंटा में खत्म करे की आदत बना, एल्बम बनावत रहिए और हमके बतावा। का बताई? ये है कि तू प्रज्ञा दे से का कहला, और सॉरी प्रज्ञा दी ना भाभी, अब तो भाभी भेली ना, चला बतावा तू प्रज्ञा भाभी से का कहला और भाभी तोरा के का जवाब दे रही। आप कहीं हूँ बात के, हमार मतलब बाकी किडनैपिंग के टाइम हूँ, लेके किनारे हम जॉन कुछ भी करनी, आप सीरियसली तो ना ले ले, ले हम आपसे प्यार ना करी ले। अभी का बात बा, कहाँ खो गई ला? का बताई तोरा के, हमरा सच बोले की हिम्मत नहीं की और तोरा सच सुने की। तू बुलबुल के लेके ऑलरेडी परेशान बाड़े, तोरा हूँ परेशान नहीं के करे चाहत, और तू बुलबुल के साथ अपन लाइफ के नया शुरुआत करे वाला बाड़े, तोरा अपन सैड स्टोरी सुना के डिप्रेस ना करब। हेलो, हम भाभी के नाम लेनी और तू तो उनके ख्याल में खो गई ला, यो बुला गया कि तुम्हारा दोस्त और सामने खड़ा बा। यार हमके ना पता रहे कि भाभी के उनके प्यार से मिलावे में हम अपन दोस्त ही खो दे, जब से बात ही ना करना चाहता, हम तोरा सामने खड़ा बानी और तू कुछ बोलना चाहता रहा, सही बा? ऐसा कोनो बात नहीं के। फिर का बात बा, तू बतावत के नहीं खा हमके भाईल का और रात के? एक्चुअली ओ एगो सीक्रेट है, ओ यही से हम तो रहता आसानी से ना बताई। अब तुमसे सीक्रेट छुपाई बा, अभी बतावा का बात बा? यार पूरब पर्सनल समझिया ना, अब पर्सनल बात बतावल थोड़ो ना जाला। पर्सनल है ये प्यार का रास्ता हम देखौनी और तू हमरा खातिर नो एंट्री के बोर्ड लगावा ताड़ा। देखा वो रात के जे भी बिल सीक्रेट हो के चाहे टॉप सीक्रेट, हम जान के रहा कौन बात ना, तू ना बताई बता ना बताओ, हम प्रज्ञा से पूछ ले, वो तो कम से कम हमरा के कुछ बताइए दिया ना। ठीक बा, पूछ लिया, वो भी तो रखे कुछ ना बताई। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस, एक रात में ऐसा का भेल जे रिश्ता इतना स्ट्रांग हो गए? देखा अगर हम और बुबू तोरा के प्रज्ञा से मिला सकेला तो इस सीक्रेट भी जान सकेला। ठीक बा, आई हेट यू, तू हमार चॉकलेट चॉकलेट ना शिट, अभी हमके हमके बुलबुल से मिले कर है, ओकरा के चॉकलेट देवे कर है, भुला के नहीं हम जाके आवत नहीं, पर हिम्मत सोचा कि हम हार मान लेनी, आके तोरा के बतावे क्योंकि कि रात के काबिल और फुल डिटेल। ओके अभी हम जाता नहीं चॉकलेट देवे खातिर, ओके टेक केयर। हमके त लागल कि तू अब तक यहाँ के रास्ता भूल गई होगा, पर शायद तू यहाँ केहू और से मिले आइल बाड़ा और हम तारा के अचानक ही दिख गई नी, है ना? ना रचना, हम एजा तोरा से मिले आइल बानी। रचना एक बार तू हमसे बात करा प्लीज, आई नो तू हमके आपन पीछा कैले से स्ट्रिक्टली मना कैले बाड़ू, बट हम ना रोक पैनी, खुद के तोहरा सामने लावे से हम कंट्रोल ना कर पौनी। रचना हम यहाँ तोहरा ना, हम तोहरा से आपन भी प्रॉब्लम डिस्कस करे आइल बनी, प्लीज जस्ट वन लास्ट चांस। जे तू चाहत बड़ा ओकर जवाब तो तहरा के पता बा, और वो तहरा बार बार बोला से बदल ना जाई। पता बा रचना, इतना महीना में ना तू बदल लू और ना तोहर जवाब, पर हम बदल गिल बनी, और हमरा तोहरा से आखिरी मौका मांगे के वजह भी बदल गिल बा। हमार फैमिली, हमार शादी केहू और से करे खातिर हमके फोर्स कर रहल भी है। हम कई बार उनकरा समझा चुकल बानी, कई बार उनकरा रोक भी चुकल बानी, पर अब ना रोक सकब, कहे कि एकरा में भाई और दादी इन्वॉल्व हो चुकल बानी। हम दुनिया में केहू के भी मना कर सकीले, केहू के भी इग्नोर कर सकीले, पर अपन माँ के मना कर सकीले, लेकिन भाई और दादी के मना ना कर सकब और ना ही कर पाई। ई जनला के बाद भी कि हम तोहरा बिना ना जी पाए। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू रचना, आई कांट, प्लीज प्लीज हमके माफ कर दा। माफी काहेला? माफ करब या गुस्सा करब वो तो सिर्फ अपनो खातिर करल जाला ना, और तहरा से तो हमार दुश्मनी के भी रिश्ता नहीं है। यू मीन नथिंग टू मी। ऐसा मत कह रचना, हमनी के रिश्ता बा, तू हमार बच्चा के माँ बने वाला बाड़ू, हम अपने जिंदगी में आवे से पहले नाम दिहल चाहता नहीं, अपन नाम दिहल चाहता नहीं। रचना हमनी के प्यार की निशानी हमनी के ना सिर्फ हमार
प्यार तो सिर्फ हम कई ले रहनी तरह से, तू तो सिर्फ हमारे फीलिंग्स के मजाक बनवला। हम अपन गलती रियलाइज कर चुकल बानी रचना, रचना एक मौका तो भगवान भी दे दे वेले। लेकिन हम भगवान ना बानी, हमार दिल इतना बड़ नहीं है आकाश, प्लीज आकाश, हम अपने आप के बहुत मुश्किल से संभल ले बानी, स्ट्रॉन्ग बनवली है और तहरा पे भरोसा कई के अपन लाइफ के फिर से रिस्क में ना डाल सके नी, हम अपन लाइफ जी ले। हम के तहरे प्यार या हमदर्दी के कौनो जरूरत ना बा, और अब तो हम अकेला भी ना बानी, हमरे साथे हमार बच्चा भी बा, और तहार जौन मर्जी में आवे करा, जहाँ पेरेंट्स बोली शादी करा या ना करा, लेकिन हम तहरा से शादी ना करब। तो ठीक बा रचना, अगर तोरा ऐसा ही रहे के बात रहा, पर कल अपन फैसला पे रोई मत, तोहार फैसला से तोहरा ही ना हमार भी जिंदगी जुड़ल बा। अब तक जौन भइल जिम्मेदार हम रहनी, पर आगे जौन होखी ओकर जिम्मेदार तू होखबो, सिर्फ तू। कॉम्प्लिकेशंस पे कॉम्प्लिकेशंस, वो प्रज्ञा के हैंडल कई इतना मुश्किल बा, अब पूरब और बिलबुल के कैसे संभाली, एक बार झूठ बोलनी तो बार बार बोले के पड़ी, और पूरब तो चुप बैठे ही ना। वेट अ मिनट, हम इतना टेंशन काहे लेता नहीं, ये सब प्रज्ञा के लिए भी है ना, तो सब ओकरा ही हैंडल करे के पड़ी, आवे तो का आज बात करता नहीं। सब तू के लिए बड़ू ना, तब तू ही हैंडल कर वो। केकरा हैंडल करे के बा? तहारी झूठ के सच्चा साथी के। कौन? पूरब और बुलबुल। तू अपन अपन एंजॉयमेंट और मजा के खातिर उ दोनों के अपन पार्टनर तो बना ले, लेकिन अब पूरब हमरा पीछे पड़ल बा कि वो रात का भाईल, जब बुलबुल ठीक हो जाई तो वो भी हमरा पीछे पड़ जाई। हमके ना पता बा कि तू का बोलबू झूठ या सच, लेकिन हम उलुक के स्टूपिड सवाल के जवाब नहीं के देवे चाहत। ई बात अब दूर आके भी कह सकेले। कहे? हमरा पास आवे से तरह फर्क पड़ेगा। हमके कहे फर्क पड़ेगा कल? रियली? तरह के फर्क ना पड़ेगा। अब भी ना पड़ रहा। अरे हमरा तरफ देखी, हमरा आंख में देखी, का भाई ना देख सके लू ना, एकर मतलब तू झूठ बोला तारो, तहरा फर्क पड़ेला। झूठ बुलाता रहो ना, मतलब कुछ छुपावता रहो, का छुपावता रहो? कुछ ना, और आप जितना बार पूछिए हमार एक ही जवाब होगी, कोनो फर्क ना पड़ेला हमके, आपके पास सहिला से कोनो फर्क ना पड़ेला। तार आंख से पता चल रहा बाकी तू झूठ बुलाता रहो, हमके ना पता, लेकिन अब हम तोहार ओ हाल करब ना के हर पल हर जगह तू हमके फील करबो, एंड देन आई लीव यू, और जब तू हमसे दूर जाइबो ना तब हर पल हमके मिस करबो। कैसे बताइए आपके कि हम आपके लिए का फील करेंगे,
के इतना प्यार करे नहीं आपसे पर अब हम तुहार ओ हाल कर मना के हर पल हर जगह तू हमके फील करबो एंड देन आई लीव यू और जब तू हमसे दूर जेबो ना तब हर पल हमके मिस करबो। ये सब हमरे ही साथे काहे हमके काहे इनसे दूर जाए के पड़ रहल बा। उनसे ये कह के कि हम उनसे प्यार ना करीले प्यार के नाम पे मजाक कैले बानी उनकर साथे। जितना तकलीफ हम उनके देले बानी उसे ज्यादा तकलीफ हमके हो रहल बिया। जोनी से शायद हम कबो ना निकल पाई। ओह दादी आप ई काहे अकेले ई सब उठा रहल बाड़ू। घर में इतना नौकर दादी अब हमके आवाज लगा दे तू। अरे बेटा इतना से काम खाती तहरा के तकलीफ काहे दी। अब छोड़ी ना छोड़ दी बैठ जा हमरा पास बैठ हमनी करल जाओ बात। कहाँ भेल दादी? देख रहल बानी औरत की जिंदगी ऐसने हो खेले अपन परिवार में हर केहू के ख्याल रखब और घर में एको भी ऐसन ना होखत जे ओकर ख्याल रखे बाकी ना। और आज ना तो कल ताहर जिम्मेदारी भी तो बढ़े वाला बा। कौन जिम्मेदारी दादी? बच्ची पता बता रहा के अभी जब छोट के रहल ना तो बहुत ही शरारती रहे इतना शरारती रहे कि हम कहा बताएंगे। कबो आलिया की चीज छिपा देते रहे कबो हमार चीज छिपा देते रहे और जब हम उकरे पीछे भागत रहे तो तेज भागत रहे कबो इधर कबो उधर कबो ऊपर कबो नीचे कबो अलमारी पे चढ़ जात रहे। हमके इतना गुस्सावत रहे ओकरा पे इतना गुस्सावत रहे। पर बेटा हम आज तक ओके मर ली ना पता बा काहे? जब भी हम ओके पकड़ लेत रहनी ना तो ऊ शैतान हमके इतना अच्छा स्माइल देत रहे ना बस हमार गुस्सा हवा हो जात रहे। अब देखी ना अभी तो अपन बचपन भूल गए अब हमके ओकर बचपन के फिर से देखे के इच्छा हो रहल बिया। हम चाहता नहीं कि तू दोनों के एक बच्चा होखे जेकर आंख बिल्कुल तहरे जैसन होखे और स्माइल हमारा भी जैसन होखे जेके हम पकड़ी तो भागे कबो इधर कबो उधर अपन छोट छोट पैर से भागत फिरे घर में मस्ती करे और हमके गुस्सा आवे तो फिर हमके फिर ऊहे स्माइल देवे बहुत प्यारा स्माइल। हमार बच्ची हम अपन जिंदगी तो जी चुकल बानी बस अभी के बचपन जिए चाहता नहीं बस एक बार फिर हम दादी बने चाहता नहीं। और बेटा जब तू दोनों माँ बाप बन जाई अपना तो दोनों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए। अभी इसे भी ज्यादा तरह से प्यार करी इसे भी ज्यादा तरहला सब करी तू ओकरा के बाप बने के सुख देबू और ऊ दुनिया के सब खुशी तरह कदम में ढेर कर दी। और बेटा माँ बने के भी अपना आप में एगो बहुत बड़ सुख बिया जौन जिम्मेदारी के साथ ही मिलेला। तू ओके अच्छा परवरिश तो देबू ही पर आपन अच्छा संस्कार भी देबू और ओके अभी जैसन अच्छा इंसान बनाई। अभी जैसन ही काहे तू तो ओके अभी से ज्यादा अच्छा इंसान बनाई। बनाई बुना पता बा हमके
तू ही कर सकेलू। कबो कबो सोचेली ई खुशी देखला से पहले हमार आंख ही ना बंद हो जाओ। उमर हो गल बाना हमार, बुलावा आगल तो जाए के पड़ी, आ सकेला कबो भी। एक खातिर बेटा हमके माफ करिए, हम तू दोनों के एक ही बात पे जोर देत रही ले। एगो बच्चा खातिर तू दोनों के पीछे पड़त रही ले, और कुछ ना था हमरा मरले के बाद ये हमार आखरी खाई सी समझ ले ही या। बस एक ही इच्छा बिया, वो प्यारा सा स्माइल। हमारी इच्छा पूरा करबू करबू ना। अभी तो अपन बचपन भुला गए, अब हमके ओकरा बचपन के फिर से देखे की इच्छा हो रहल बिया। हम चाहत बानी की तू दोनों के एगो बच्चा होखे जेकर आंख बिल्कुल तहरे जैसा होखे। जहाँ हम अपन जिंदगी से हर उम्मीद छोड़ चुकल बानी, ओही जी दादी हमसे उम्मीद लगाए बैठल बानी। कैसे कही इनसे कि जब हम एगो पत्नी ही ना बन पैनी तो माँ कैसे बनब। जौन हालात हमरे और इनके बीच में बा, ओकरे बाद हम कबो दादी के ख्वाहिश पूरा ना कर पाइब, हम उनके पोता के अंश कबो ना दे पाइब। एक औरत कम्प्लीट तब होखिले जब शादी के बाद ओकर पति ओके अपन होखे वाला बच्चा के माँ बने के हक दे। लेकिन अभी तो के ये हक कबो ना दी, काहे कि ऊ हक उ हमके दे चुकल बड़े, काहे कि हम अभी के बच्चा के माँ बने वाला बने। तनु के पास मतलब दादी की इच्छा सिर्फ तनु पूरा कर सकेले। वो बच्चा के भाग्य खातिर हम के अपन प्यार कुर्बान करे के होखी। अभी परिवार के भविष्य खातिर हमके वो बच्चा के परिवार में लेके ही आवे होखी, कहे कि वो एक घर की वारिस इनकर अंश। दादी के खुशी उसे जुड़ल भी और हम उनके वो खुशी देके रहब। ई कहां जाता रही, काहे पूछता नहीं हम। अच्छा बा, जितना हमरा से दूर रही उतना हम उस दिन के कम याद करब। डैम इट, अभी फोन नहीं क्यों उठा रहा, हम का करी किसे बात करी। ई कॉम्प्लिकेशन था और बढ़ते जा रहा बा। ई प्रेगनेंसी के लेके हमके अभी से बात करके चाहिए और ये बात के सॉल्यूशन निकाले के चाहिए कि खुद ही जाके अबॉर्शन करा लेवे के चाहिए। कहे कि अगर केहू एक के पता चलल था ये बात सभे के पता चल जाए, का करी हम। डॉक्टर, हम तनु बोल रहल बानी जी। हम सोच ले बानी ओकरा बारे में, एंड आई डिसाइडेड कि हम अबॉर्शन करावे खातिर तैयार बानी जी। आप 3 दिन के बाद हमार डेट फिक्स कर ली। डॉक्टर, एगो रिक्वेस्ट रहे, प्लीज केहू के पता ना चले दी कि हम प्रेग्नेंट बानी। आई थिंक 3 दिन काफी हो गया अभी खातिर, उसे मिलके कोनो सॉल्यूशन निकाले।